जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, भगवान शीघ्र सुनते हैं। आपसे मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि आप भगवान की अहेतुकी कृपा पर विश्वास करें। छोटे बालक की भांति आप अपने को श्री भगवान के सामने छोड़ दें, फिर आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी। सुंदर चटकीली भाषा में और अच्छे सुरीले शब्दों में पदगान करके उनको रिझाने की बाहरी क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। जैसे स्नेहमयी जननी मेल में सने बच्चे को उसके बिना कहे ही स्वयं अपने हाथों धोती पोंछती है तथा सजाकर गोद में बैठा लेती है, वैसे ही भगवान भी अपने आप ही आपकी संभाल करेंगे। भगवान ने अपने को शिशु की भांति उन पर छोड़ देने वाले का योगक्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा की है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीताजी 9:22। प्यारे भक्तों, माता के हृदय में स्नेह है, वात्सल्य है, जो उसे अबोध शिशु की सार संभाल करने के लिए बाध्य करता है। फिर भगवान तो माताओं की माता हैं। अनंत मात्र हृदयों में अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो स्नेह का अखंड स्रोत बहता रहता है, कभी सूखता ही नहीं, उसका मूल उद्गम स्थान कहाँ है? वह है भगवान में। जगत में स्नेह सुधा रस के जो बिखरे हुए अनंत कण दिखाई पड़ते हैं, वे सब के सब एकत्र कर लिए जाएं तो भी भगवान के अनंत गंभीर स्नेह सुधाणव की एक बूंद के बराबर भी नहीं होंगे। अतएव जगत के जीवों के प्रति भगवान की स्वाभाविक कृपा है, सहज सौहार्द है। सब जीव भगवान के अंश हैं, सदा उन्हीं की गोद में हैं। पर जैसे बालक कभी कभी अज्ञातवश स्नेहमयी माता को कठोर समझ लेता है, उसके व्यवहार में रुचिता, कटुता, विषमता और उपेक्षा देख पाता है, वैसे ही अज्ञानी जीव भी भगवान को स्नेह शून्य, कठोर, पक्षपाती और उदासीन मान लेता है एवं कह बैठता है कि भगवान मेरी एक भी नहीं सुनते। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान के समान शीघ्र पुकार सुनने वाला अन्य कोई है ही नहीं। हम किसी भी भाषा में अथवा बिना ही कुछ बोले मन ही मन भगवान से अपने मन की बात कहें, भगवान तुरंत सुनते हैं और हमारे समझाने में त्रुटि होने पर भी वे उसे यथार्थ समझ लेते हैं तथा उसी क्षण उसका आशापूर्ण उत्तर भी दे देते हैं। भगवान हमारे पूर्व के पापों को नहीं देखते, हमारे पापाचरण पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे पतित पावन हैं। वे तो बस इतना ही चाहते हैं कि जीव मुझ पर विश्वास करके उसी प्रकार मेरा आश्रय ले ले जैसे छोटा शिशु माता के आश्रित होता है। उनके सामने हृदय को खोलने की आवश्यकता है, वाणी को नहीं। वे हृदय में रहते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं। इसलिए जो लोग अपना हृदय खोलकर उनके सामने अपने पाप तापों को रख देते हैं, भगवान उन्हें अपना लेते हैं और ऐसा बना देते हैं कि फिर उन्हें पाप ताप छू भी नहीं सकते। परंतु जो लोग पापों को छिपाकर भगवान को धोखा देना चाहते हैं, उनके सामने दंभ करते हैं, वे अंतर्यामी भगवान के सामने कुछ छिपा तो सकते ही नहीं, उनकी पतित पावनता के प्रभाव से वंचित अवश्य रह जाते हैं। अतएव आप श्री भगवान की कृपा पर विश्वास करके उनके निज जन बन जाइए, फिर वे आपके दोषों को नहीं देखेंगे। भगवान का स्वभाव इतना मृदुल है कि वे अपने जनों का दोष न देखकर उन्हें सहज ही अपना लेते हैं। मानस 7:03 में आता है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रिय साधकों, जब भगवान आपको अपना लेंगे तब आप सहज ही पाप और संताप से सर्वथा रहित हो जाएंगे। फिर समस्त दिव्य गुण अपने आप ही अपने को सार्थक करने के लिए आपकी शरण में आ जाएंगे। वीडियो को दूसरे भक्तों, दूसरे साधकों तक अवश्य पहुंचाएं। और अब गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।